Next example, according to second definition of dangling pointer, means this case mein read karna, in this case whenever pointer p becomes dangling pointer, means this case mein simply pointer value kit kiya ja p at the time of declaration p ke case mein null assign kiya, isliye isko consider karenge ja initialized pointer not a dangling pointers. First of all, we are declaring variable p initialized by null address. That's why it is pointing null locations. Next one, जैसे इस केस में control block के अंदर send हुआ, again perform क्या हुआ, memory allocation of x. Now x is initialized by 10. After that, we are displaying value of star p. One more things, before that star p, we want to initializing p using address of x. इस केस में जैसे ही सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो p में क्या आसान हो जाएगा, लोकेशन x का एड्रेस, और x का एड्रेस 90 डेज लिए नल रिप्लेस किससे हुआ, 98 से. इस पर्टिकुलर केस में x का एक और अल्टरनेटिव क्रिएट होगा कॉल्ड एज स्टार p. नेक्स्ट वन, आफ्टर दैट वी आर इंटरेस्टिंग डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ स्टार p. स्टार p के केस में वैल्यू क्या होगा इस केस में, 10. नेक्स्ट वन, स्टार पी के थ्रू 10 डिस्प्ले होने के जस्ट बाद जब कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड होगा, देन आफ्टर दिस ब्लॉक मींस एट द टाइम ऑफ द प्रिंट एफ स्टेट, नाउ पॉइंटर बिकम्स डैंगलिंग पॉइंटर्स. क्लियर, मींस एट दैट टाइम और आफ्टर क्लोजिंग ब्रैकेट पॉइंटर पी बिकम्स डैंगलिंग पॉइंटर. मींस सेकेंड केस में अगेन मींस इस केस में एक्स डी एलोकेट हो चुका है. मींस डैंगलिंग पॉइंटर क्या बोला है इस केस में, कि जब कंट्रोल ब्लॉक से बाहर सेंड होता है ना, इमीडिएटली एक्स के लिए डी एलोकेशन परफॉर्म हो चुका है, बिकॉज एक्स इस ब्लॉक के अंदर क्रिएट हुआ है. अब पी किस टाइप के लोकेशन को पॉइंट करा, मींस पी के पास अभी भी अवेलेबल क्या है, 98. मींस पी अभी भी उसी लोकेशन को पॉइंट करेगा, लेकिन ये लोकेशन कैसा हो चुका है, अनरिजर्व्ड. दैट्स वाई पॉइंटर पी क्रिएटेड कंसिडर्ड एज डैंगलिंग पॉइंटर एट दैट टाइम. अगेन इस केस में आउटपुट क्या आएगा, मे बी 10 और मे बी अननोन वैल्यू, मीन्स गार्बेज वैल्यू.